और चलिए अब रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर, जहां बीजेपी में जल्द ही प्रदेश कमेटी की टीम घोषित होगी। आपको बता दें बड़ी खबर, जहां बीजेपी में एक टीम देखने को मिल सकती है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने साफ तौर पर इस बात के संकेत दिए हैं। बीजेपी कार्यालय में जोशी ने मीडिया से कहा कि जल्द आपके सामने नई टीम होगी। टीम में नए चेहरों को जगह मिलने के भी संकेत दिए हैं प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने। आपको बता दें सच बेधड़क पहले ही इस बात को बता चुका है कि भाजपा की नई टीम को लेकर कवायद अंतिम दौर में है। एक बार फिर हमारी खबर की पुष्टि हो रही है, जहां पर हम पहले ही बता चुके थे, सच बेधड़क पहले ही बता चुका था कि नए टीम को लेकर के जो तैयारियां हैं वो अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात पर मुहर लगाते हुए कहा कि जल्द ही नई टीम का गठन होगा, जिसमें नए चेहरों को जगह मिलने के भी संकेत दे दिए। आपको बता दें एक बार फिर सच बेधड़क ने अपने काम का प्रमाण देते हुए इस बात को कहा था कि इस तरह की कोई कार्रवाई चल रही है, इस तरह की टीम के गठन को लेकर चर्चा चल रही है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने इस बात पर मुहर लगाई है। और इस पर जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हमारे सहयोगी अरविंद पालावत हमारे साथ में। अरविंद, क्या है अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए सीपी जोशी जब नए प्रदेशाध्यक्ष बने तो उसके बाद ये होता है कि जब भी कोई नया प्रदेशाध्यक्ष होता है तो अपनी जो नई कार्यकारिणी है, नई समिति है, वो यहाँ पर गठित करते हैं, ताकि जो पार्टी की रीति नीति के जो काम है या रोजमर्रा के जितने भी काम है वो आसानी से हो सके। ऐसे में पुरानी जो टीम है वो सतीश पूनिया के समय से चली आ रही है, अब नई टीम जो है उसका गठन होगा। खुद सीपी जोशी ने इसका संकेत दे दिया है और अब ये काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है, और हो सकता है कि ये जो सूची है वो कभी भी जारी हो सकती है। नए चेहरों को जगह मिलने की बात उन्होंने कही है, कौन हो सकते हैं वो नए चेहरे, किस तरह के बदलाव देखे जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग मोर्चे हैं, उन मोर्चों में प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति होनी है, प्रदेश समिति के अंदर नियुक्ति होनी है, तो ऐसे में जो नए चेहरे हैं, यानी नए चेहरों का मतलब है कि जिनके पास अभी तक कोई दायित्व नहीं रहा हो और भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं, तो उनको जगह जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। इसके साथ हाल ही में कुछ जो नेता हैं जिन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है और दूसरी पार्टी छोड़ करके और वापस से भारतीय जनता पार्टी में आए, तो उनको भी एक जो पद है वो यहाँ पर दिया जा सकता है, ताकि आने वाले समय में जब चुनाव हो तो चुनाव में पार्टी मजबूती के साथ आगे जाए और पार्टी का जो मैंडेट है जी वो उनको मिल सके चुनाव में। बिल्कुल, तो बीजेपी भी पूरी चुनावी मोड में। और देखिए ना, सच बेधड़क ने पहले इस बात का को कह दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है और वो उस चीज की पुष्टि भी हो गई है। बिल्कुल शालिनी, सबसे पहले सच बेधड़क ने बताया था कि जल्द ही जो कार्यकारिणी है उसका गठन होगा और नई कार्यकारिणी है वो जल्द आपके सामने होगी। तो खुद सीपी जोशी ने बात कही है कि जो नई कार्यकारिणी है वो अब जल्द गठित होगी और हो सकता है कि इस महीने के अंदर अंदर जो कार्यकारिणी है वो यहाँ पर गठित हो जाए। और क्योंकि नई कार्यकारिणी का गठन होना अपने आप इसलिए भी जरूरी, क्योंकि चुनावी साल है और आने वाले कुछ समय के बाद में जो आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो उससे पहले जो नई कार्यकारिणी होगी वो स्मूथली अपना पूरा काम कर सके, उसको लेकर के ये जरूरी है कि जल्द से जल्द कार्यकारिणी का गठन हो और कार्यकारिणी का जो विभागों का है और उनके जो कार्य का बंटवारा है वो यहाँ पर हो। उसके साथ ही पुरानी जो कार्यकारिणी है उसमें कई नेता ऐसे हैं जो चुनाव लड़ने का इच्छुक हैं, तो ऐसे में वो नेता चाहते हैं कि उनको भी कार्यकारिणी से अभी फिलहाल बाहर रखा जाए, ताकि वे अपने फील्ड में जाकर के और अपना जो काम है वो वहां पर कर सके। और आने अरविंद, और जो लोग दूसरी पार्टियों से यहाँ आए हैं उन्हें किस तरह की जिम्मेदारी दी जा सकती है? क्योंकि हमने देखा जब भी चुनाव आने लगते हैं तो पार्टियों में अदल बदल होती है, लोग अपनी पार्टी बदलते हैं, तो कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस से, बसपा से, अलग अलग राजनीतिक दलों से भाजपा में शामिल हुए हैं, किस तरह का काम उन्हें दिया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए पिछले करीब एक महीने की यदि बात की जाए तो कई ऐसे नेता है जिनकी भाजपा में घर वापसी हुई है, या कुछ ऐसे नेता है जो भाजपा के साथ वापस से आकर के जुड़े हैं। सुभाष महरिया का नाम है कि जो वापस से भारतीय जनता पार्टी में आए। इसके साथ ही कई अन्य जो नेता हैं वो बसपा या अन्य दलों के साथ थे, वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, तो ऐसे में ये संभव है कि इन नए चेहरों को यहाँ पर जो है पार्टी की कार्य समिति है, पार्टी की जो कमेटी है उसके अंदर यहाँ पर इनको जगह दी जाए। क्योंकि जो नए नेता है, हालांकि जब इनको नेताओं को ज्वाइन करवाया गया तो उस दौरान ये कहा गया था कि बिना किसी शर्त पर आए, लेकिन ये होता है। और उसके बाद में जब चुनाव जब का समय है और ऐसे में जब ये चुनाव की घड़ियां जब नजदीक आएगी, तो बिल्कुल अरविंद, तो देखने वाली बात ये होगी कि कौन आते हैं नए चेहरे सामने। तो फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी अरविंद पालावत।